एवरीवन, आज मैं निकल रहा हूँ तमलुक राजबाड़ी और महिषादल राजबाड़ी। Let me take you for a ride. गाइस, हम लोग कलकत्ता से महिषादल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महिषादल कलकत्ता से 104 किलोमीटर दूरी पे है और हम लोग कलकत्ता से कोलाघाट होते हुए मेछेदा होते हुए नंदकुमार पहुँचे। नंदकुमार से हम लोग हल्दिया कोलाघाट रोड पकड़े, वहाँ से कंचनपुर से हम लोग बाया घुसे हैं कापासाड़िया मोड़ से। कापासाड़िया मोड़ से भांगिया होते हुए हम लोग महिषादल पहुँचेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे महिषादल राजबाड़ी। तो गाइस, मैंने सोचा चलते चलते क्यों ना महिषादल का जो हिस्ट्री है उसको भी आपको बताते चलूं, जिसे आप लोगों को भी समझने में सुविधा हो ये महिषादल का क्या हिस्ट्री है। तो गाइस, महिषादल राजवंश का शुरुआत जनार्दन उपाध्याय जी से हुआ। जनार्दन उपाध्याय जी सम्राट अकबर के सेना में एक उच्च पद अधिकारी रह चुके थे और ये गेवखाली पहुँचे थे जलमार्ग से 1600 ईस्वी में व्यापार के लिए और यहीं आके बस गए थे। उस समय यहाँ के राजा थे कल्याण राय जी और वो यहाँ के नवाब को राजस्व नहीं दे पाए थे, बोल के उनका राज्य नीलामी में चली गई थी। और जनार्दन उपाध्याय को ये अच्छा मौका मिला और उन्होंने यहाँ का राज्य खरीद लिया और यहाँ के राजा बन गए। जनार्दन उपाध्याय अपने समय में सम्राट अकबर के श्रेष्ठ दरबारी का उपाधि भी पा चुके थे। जनार्दन उपाध्याय के पांचवी पीढ़ी के राजा नंदलाल उपाध्याय के कोई पुत्र नहीं था। उनके देहांत पर रानी जानकी ने वहां का राजकाज अपने हाथों में ले लिया। रानी जानकी के देहांत के बाद उनके जमाई गुरु प्रसाद बर्ग यहां के राजा बने, जिनके पिता का नाम छगन प्रसाद गर्ग और यहाँ से गर्ग राज की शुरुआत। गर्ग वंश के दूसरे पीढ़ी के राजा रामनाथ गर्ग की कोई पुत्र नहीं हुई और उनके दत्तक पुत्र लक्ष्मण प्रसाद गर्ग ने सत्ता संभाली। लक्ष्मण प्रसाद गर्ग के ही वंशज भारत के आज़ादी तक यहाँ पे राज किया और यहाँ के राजा बने रहे। आज भी उनके वंशज यहीं रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में वो रहते हैं अपने परिवार के साथ और नीचे वाले फ्लोर को उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है और म्यूज़ियम का एंट्री फीस 10 रुपये रखा गया है फॉर मेंटेनेंस। गाइस, म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो शायद मैं आपको म्यूज़ियम के अंदर का कुछ नहीं दिखा पाऊँ, तो कोई बात नहीं, आप लोग अगर इधर आए तो आप खुद ही एंट्री लेके देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और इस म्यूज़ियम के अंदर मैं पुराने ज़माने के स्टफ्ड एनिमल जो ये लोग शिकार के बाद जो शेर चीता भालू जो मिलते थे उनको स्टफ्ड करके रखा हुआ है सजा के, और दूसरे हैं हथियार, पुराने ज़माने के हथियार और शिकार करने के हथियार ये सब रखे हुए हैं। म्यूज़ियम में उस समय के जो वाद्य यंत्र बिलियर्ड बोर्ड्स जो गेम ये लोग खेलते थे और इनके फर्नीचर्स इनके पेंटिंग्स ये सारी अंदर रखी हुई है, जो हम लोग देख के उस समय के
चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे और क्या करते थे, हम लोग ये सब देख के समझ सकते हैं। सो दोस्तों, आप भी आइए महिषादल, और बंगाल का एक ऐसा हेरिटेज है, ऐसा भी हेरिटेज है जो हम लोगों को पता नहीं था, जो आज हम लोग देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। महिषादल राजवाड़ी में, और आज सुबह राइड करके हम लोग बाइक से आए हैं यहाँ पे। आज मैं आया हूँ 100 माइल्स राइडर स्कॉट के साथ, और मैं राइडर स्कॉट का एक मेंबर हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। सो आज मैं आप लोगों को घुमाऊँगा महिषादल राजवाड़ी, तो एंजॉय कीजिए। ফার্স্ট রাইডে মহিষাদল রাজবাড়িতে আছি, বিজালা ভিডিও করছে, সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স, বিধ্বস্ত জায়গা, না আসলে মিস কর, যারা যারা আসলে মিস তো করেছই, আর যারা যারা আসতে পারোই নি, অসাধারণ। নেক্সট টাইম এসো, ভিজিট করো, খুব সুন্দর জায়গা।